आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जो किसी भी खाने का स्वाद और मज़ेदार और चटपटा बना देती है। ये एक बहुत इजी और क्विक रेसिपी है। इस चटपटी रेसिपी के लिए हम इन सभी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने ली है 4 बड़ी हरी मिर्चें, जिन्हें हमने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है, और अब हम इन्हें इस तरह से काट कर इन्हें अंदर से खाली कर लेंगे। मिर्चें अंदर से साफ करने के बाद अब हम इनका मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए एक प्लेट में डालें 4 चम्मच बेसन, इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच अजवाइन को इस तरह मसल कर डालें और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दें। इसमें चटपटापन लाने के लिए अब हम इसमें 2 चम्मच अचार का मसाला डालकर मिला देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के लिए इसे हाथों से मसल मसल कर मिक्स करें। ये मसाला अच्छे से मिक्स हो जाने पर अब हम इसे काटकर साफ की हुई हरी मिर्चों में इस तरह से भर लेंगे। इसी तरह सभी मिर्चों में मसाला भर लें। अब हमें ये मिर्चें पकानी हैं, जिसके लिए एक गरम पैन में 1 करछी सरसों का तेल डालें। जब तेल धुआं छोड़ दे तब गैस सिम पर करें और इसमें स्टफ की हुई मिर्चें डालकर पका लें। इसे हम ढककर पकाएंगे ताकि गरम तेल के छींटों से भी बचाव रहे। सिम गैस पर तकरीबन 1 मिनट के लिए पकाने के बाद अब हम इन्हें पलटकर दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। इसे वापस फिर से ढक दें और इसी तरह बार बार उलट पलट कर मिर्चों को हर तरफ से सेक लें। तकरीबन 5 मिनट सिम गैस पर पकाने के बाद चटपटी मिर्चें बनकर तैयार हैं। इनमें अचार का फ्लेवर है और इन्हें किसी भी खाने के साथ सर्व करें, ये खाने का स्वाद दुगना कर देंगी। अगर इन्हें स्टोर करना चाहें तो इन्हें तेल में अच्छे से डुबोकर महीने भर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, ये खराब नहीं होंगी।